नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ शाह है। मैं ईस्ट अहमदाबाद में डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी खुद की हॉस्पिटल अक्सर हॉस्पिटल के अंदर। अब एक चीज जो लाइक 1500 साल पहले संस्कृत में बताया गया है, राज रोग मधुप्रमेह, जिसको हम अभी डायबिटीज के नाम से जानते हैं, तो वो बहुत ही कॉमन रोग है और जनरल पब्लिक में उसका प्रीवेलेंस मतलब उसका प्रमाण बहुत ही ज्यादा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से लक्षण, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे पता चलता है। तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। बेसिकली बार बार उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज के, तो बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है, या तो हमारा वेट लॉस हो रहा है, या हमें बहुत भूख लग रही है, खाना ज्यादा खा रहे हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं। ऐसे कॉमन कॉमन सिम्टम्स से लेके अगर डायबिटीज हद से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जैसे 500 या 800 या 1000, तो दर्दी लाइक कोमा में जाना या उसका श्वासोश्वास की पैटर्न बढ़ जाना, तो ये ढेर सारे चीज लाइक डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, डायबिटीज के लक्षण होते हैं। अगर हमको ये कोई भी सिम्टम्स है तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाके डायबिटीज शुगर चेक करना चाहिए और उसके हिसाब से आगे सारवार। अब बात ये है ना कि इसको राज रोग क्यों कहा गया, संस्कृत में इसको राज रोग क्यों कहा गया, और या तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों बोला कि ये चेक करते रहो। तो ये सब सिम्टम तब आते हैं जब हमें लाइक शुगर 500 हो गया या 800 हो गया। अब जैसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं, मैं रूटीन कैंप्स करता हूँ, कैंप्स में वो लोग जस्ट ऐसे ही घूमने आ गए और मैंने चेक किया उनका शुगर 250 निकला, 300 निकला। तो राज रोग इसलिए कहा गया कि ये डिजीज ऐसा है जो अंदरूनी अंदर शरीर को खाता जाता है पर बाहर कोई सिम्टम ही नहीं आता। सिम्टम तब पता चलता है कि दर्दी अटैक के साथ आया, मैंने उसका शुगर चेक किया, पता चला उसका 400 शुगर है और ये शुगर आखिरी 5-10 साल से था और उसने चेक ही नहीं करवाया और अटैक लेके आ गया। समझो कोई अर्ली मॉर्निंग कॉल आता है मुझे 4 बजे कि मेरे पड़ोसी को स्ट्रोक हुआ है, फटाफट मेरी हॉस्पिटल में लेके गया, उनका भी मैंने शुगर चेक किया तो वो 350 था, शायद उनको डायबिटीज था पर उन्होंने चेक ही कभी नहीं करवाया और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी पता चला कि डायबिटीज के कारण उनको स्ट्रोक हो गया, अब वो पूरी जिंदगी पैरालिसिस के साथ जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज ऐसा रोग है जो सिम्टम्स के साथ तो पता चलता ही है बट बिना सिम्टम्स भी आपके अंदर हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग होता है अगर हमारी एज 40 के ऊपर है तो हम साल में एक बार डायबिटीज चेक करते रहे। अब ये बार भी नीचे हो गया है, मतलब अभी की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पीन है, हमारी जो काम करने की आदत छूट गई है, बैठी हुई जिंदगी हो गई है, तो हमें 30 साल के बाद हर साल साल में एक बार सिर्फ डायबिटीज चेक करना चाहिए। तो ये मेरी एडवाइस है हर जनरल पॉपुलेशन को, भारत की अभी जो 140 करोड़ 160 करोड़ जनता को, कि भाई हमें साल में एक बार डायबिटीज चेक करवाना है और अगर नॉर्मल रहे, ऐसा ही जीना है, मस्ती से एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, और अगर बाई चांस हो गया तो कोई भी अच्छे डॉक्टर फ्रेंड से मिलो और आपका डायबिटीज कंट्रोल करो। बाय बाय।